इधर नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पेंशन की दूर होगी टेंशन, अब कई गुना बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी होगी शानदार। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोगों की टेंशन दूर कर दी है। उनका रिटायरमेंट प्लान अब पहले से कई गुना बेहतर होगा। नए फैसले के तहत रिटायरमेंट के आखिरी साल की सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी। इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में कई गुना बढ़त हो जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में EPFO की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था। अभी EPFO 15,000 रुपए वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है। नए फैसले के बाद कर्मचारी को पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देनी होगी। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लिए कि आपने 33 साल काम किया, अंतिम सैलरी जो थी वो आपकी 50,000 रुपए प्रति महीना थी, तो नई पेंशन 25,000 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन आपको मिलती थी सिर्फ 5,180 रुपए। इसमें 383% बढ़त है। और मान लीजिए कि आपने 30 साल काम किया, आपकी आखिरी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो अब आपको जो नई पेंशन मिलेगी वो 22,587 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन सिर्फ 4,525 रुपए थी, यानी इसमें बदलाव करीब 405% है। अगर आप 20 साल काम करते हैं और आपकी आखिरी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो नई पेंशन आपको 14,285 रुपए के करीब मिलेगी, जबकि पुरानी पेंशन सिर्फ 2100 रुपए थी, यानी इसमें बदलाव 580% तक है। अगर मान लीजिए कि आपकी आखिरी सैलरी 1,00,000 रुपए थी और आपने 33 साल काम किया है, तो नई पेंशन करीब 50,000 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन इसमें करीब 805% की बढ़ोतरी। आप 30 मान लीजिए आप सिर्फ 20 साल काम करके रिटायरमेंट ले लेते हैं और आपकी आखिरी पर मंथ सैलरी 1,00,000 रुपए थी, तो आपकी नई पेंशन करीब 28,571 रुपए होगी, जबकि पुरानी पेंशन 2,100 रुपए थी। ये बदलाव करीब 1,261% है। 1 सितंबर 2014 के बाद से काम शुरू करने वाले भी फुल सैलरी पर पेंशन का फायदा ले सकेंगे। वैसे पेंशन को लेकर EPFO ने कई बार आनाकानी की है। जिन कंपनियों के EPF ट्रस्ट मैनेज करते हैं उनको फायदा लेने से भी मना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाकर मामले को सुलझा दिया है। इससे प्राइवेट कर्मचारियों की रिटायरमेंट टेंशन अब गोल्डन पेंशन में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।